हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ का सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का. सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई. तो ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा इसका एक्स इज इक्वल टू ई रिप्रेजेंट करता है. क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन अच्छा है. हम थोड़े से लॉज और रूल्स रिकॉल करेंगे, उसके बाद इसको करना शुरू करेंगे एंड इट विल ऑल बी डन. देर इज़ नो प्रॉब्लम आई थिंक. मैक्सिमा मिनिमा के रूल क्या होते हैं? सिंपल रूल्स हैं कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर पॉसिबल हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, उसके बाद उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है. इफ़ इट इज़ लेस देन ज़ीरो वैल्यू इज़ मैक्सिमम, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू इज़ मिनिमम. ठीक है, अगर ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है तो वो फिर क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये हमने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं. अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को. तो चलिए जी शुरू करते हैं. हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कोशेंट रूल चलेंगे हम. हमें पता है कि कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं हम, और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा? 1 आ जाएगा. इसे अगर अब मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स और एक्स कट जाएगा. इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब क्रिटिकल पॉइंट भी निकाल ही लेते हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ निकालिए, यहाँ अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप क्या करिए, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर लीजिए, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिएगा, आइदर विच वे यू वांट. तो इस बार मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी डबल डिफरेंशिएशन भी कर ही लेता हूँ. अब बहुत ध्यान से देखिए, बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू और टू फोर हो जाएगा. अब देखिए डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. अब इसकी पूरी डिफरेंशिएशन इस चीज़ की क्या आएगी हमारे पास? सबसे पहले वन की डिफरेंशिएशन ज़ीरो आ जाएगी और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स आएगी माइनस न्यूमरेटर वन माइनस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि एक्स स्क्वायर था. तो एक्स स्क्वायर क्या है? टू एक्स आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है आपको. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं. एक्स के साथ एक्स स्क्वायर को काटा गया तो माइनस एक्स आया, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 आ गया है. फर्दर इसे करते हुए माइनस 3x प्लस 2x लॉग x आ जाएगा अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा. इसके बाद जब हम चलेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले आते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 लॉग x माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा अपनी साइड पे. अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम और फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है आपको याद होगा? वन माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया हमने.
जैसे ही हमने इसको जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स स्क्वायर इधर चला गया जीरो की साइड पे, तो वन माइनस लॉग एक्स हो गया विच इज़ ज़ीरो। अब वन इज इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, और जैसे ही लॉग इधर जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू ई आ गई है, जो कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। और हमें पता है कि जैसे ही हम इस क्रिटिकल पॉइंट को एफ डबल डैश एक्स में डालेंगे, और अगर वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन जाएगा, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ जाएगी। यही हम करते भी आए हैं। अब फटाफट से इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास एफ डबल डैश एक्स है, तो इसे मैंने काटा नहीं था, तो मैं काट के इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। टू लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स में। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू एफ डबल डैश एक्स, क्या आ गया? टू लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स क्यूब। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू टू लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो अब मैं ई की वैल्यू डाल लूँगा, एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू टू लॉग ई माइनस थ्री अपॉन ई क्यूब। वी नो दैट लॉग ई क्या होता है जी, लॉग ई वन होता है। तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, टू इंटू वन माइनस थ्री, टू इंटू वन माइनस थ्री अपॉन ई क्यूब विच इज़ आ माइनस वन अपॉन ई क्यूब। वी ऑल्सो नो दैट ई इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर और माइनस है, तो फिर ये लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। Therefore, by second order derivative test, it is proved that f is maximum at x is equal to e. I hope आपको समझ आया हो। Thank you so much.